कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारा शुरू से ही कंपटीशन जो है वो अपने साथ रहा है. शुरू से ही हमारा जो कंपटीशन है वो अपने साथ रहा है. और हर बार हम ट्राई करते हैं कि हमने जो लास्ट टाइम किया उससे कुछ बेटर, कुछ अलग कर पाएँ, अपनी लिमिट्स को और पुश कर पाएँ. तो वही हम करते आए हैं और आगे भी वही करते रहेंगे. इस बार हम कुछ अलग एकदम लेकर आ रहे हैं. महिषासुर मर्दिनी का ट्रैक होगा जिसमें ये बनेंगी दुर्गा जी और मैं बनूंगा महिषासुर. और दिस इज़ गोइंग टू बी एंटायरली डिफरेंट जॉनर जो हमने अभी तक नहीं किया. और इसमें बहुत ही अग्रेशन होगा, बहुत ही ऐसे टफ वाला डांस होगा, क्योंकि हमने कई ऐसे अभी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स किए हैं जिसमें मैंने अभी तक ऐसा अग्रेशन नहीं दिखाया. पासो फॉर्म होगा, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. लकीली अभी तक मेरा जितने अभी तक पहले जितनी भी परफॉर्मेंसेज गई हैं या जो अभी इस वीक भी जाएगी, उस तक मैं एक शो कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य जो अभी फ़िलहाल में बंद हुआ है. तो अब मेरे पास थोड़ा ब्रीदर है, अच्छे से रिहर्स करने का टाइम भी है जो अभी तक मुझे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि रात भर मैं प्रैक्टिस करता था, रिहर्स करता था, दिन में शूट करता था. तो अब वो चेंज हो गया है, तो अभी अभी काफ़ी बेटर है. नो कमेंट्स एक्चुअली, क्योंकि उनका वो पर्सनल है, उसमें हम क्या बोलते, उनका अपना एक्सपीरियंस है, वी हैव आवर ओन एक्सपीरियंसेस, सो नो कमेंट्स ऑन दैट. हम जजेस को एज जजेस देखते हैं, वो जो कमेंट्स देते हैं उसे सर माथे पे लगाते हैं, जो मार्क्स देते हैं उसे सर माथे पे लगाते हैं, और वो जो हमें करेक्शन देते हैं या बोलते हैं उसको हम ध्यान में रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम वो गलतियाँ ना करें. फैज़ल को बहुत ही बुरी चोट लगी चंद्रगुप्त मौर्य में एक स्टंट करते हुए, और काफ़ी पेनफुल रहा है उसके लिए, एंड वी फील बैड एंड सैड अबाउट दैट. नच बलिए तो चलिए एक शो है, लेकिन वो बेसिकली एक डांसर है और उसके साथ लेग में लगना, मैं समझ सकता हूँ साइकोलॉजिकली उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा होगा, होगा अभी भी है. तो लेकिन मुझे पता है कि वो एक टाइगर है, वो डेफिनेटली इससे उभर कर आएगा और हम सबको फिर से एक अलग ही लेवल पर एंटरटेन करेगा. वी आर वेरी श्योर अबाउट दैट. नहीं, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो हर एक पेयर में कोई ना कोई एक तो डांसर है ही. ऐसे नॉन डांसर वाला पेयर आई थिंक सिर्फ हम दोनों ही हैं जिसमें दोनों ही नॉन डांसर्स हैं. उनमें दोनों ही, मोस्टली जो पेयर्स हैं उसमें दोनों ही या तो डांसर्स हैं, दोनों में से एक डेफिनेटली डांसर है. ऐसा मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर कॉम्पिटिटिवनेस देखी जाए तो वो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस हमारे खुद के साथ ही है, और किसी के साथ हो ही नहीं सकती क्योंकि हम दोनों ही नॉन डांसर हैं. तो हम दोनों अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते. सेम, बिकॉज अगर आप दूसरों की परफॉर्मेंसेज देख के, जैसे आपने डर का वर्ड यूज़ किया, तो हम कभी डर का वर्ड दूसरों की परफॉर्मेंसेज के लिए यूज़ नहीं करते. हम ये सोचते हैं कि हमने जो परफॉर्म किया हम उससे कितना बेटर हो सकते हैं, क्योंकि जब आप निकलते हैं तो आप दूसरों से नहीं, अपने आप से आगे निकलते हैं. इवन इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो, आप कोई अपना कार्य काम करते हैं तो आप दूसरों को देख के अपना काम चेंज नहीं करते. आप ये सीख लेते हैं कि मैं अभी जो गलत किया है या सही किया है उसमें क्या चेंजेस करके मैं अपने आप को आगे निकालूं. तो दूसरों की परफॉर्मेंसेस सब बहुत मेहनत डालते हैं, बहुत प्यार से प्रेम से अपनी मेहनत स्टेज पे दिखाते हैं. हमारा भी वही हमेशा से सोच रही है कि अपनी परफॉर्मेंस को जैसे हमारे कोरियोग्राफर्स चाहते हैं वो उस तरीके से एग्जीक्यूट हो. जितना अच्छा है बहुत है, तभी अच्छा होगा तो लोग भी प्यार करेंगे, ऑडियंस भी देखेगी, जजेस को भी अपने कमेंट्स देंगे, और उसको हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे. जी, एक्चुअली डेफिनेटली शुरू में मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं मीडिया लाइन से नहीं हूँ, और कैमरा फेसिंग स्टेज पे आना और नच बलिए जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जिस पे आप खाली खाली आपकी प्रेजेंस नहीं है, बट आप एक पूरा एक्ट कर रहे हैं, पूरा डांस कर रहे हैं. किसी किसी एक्ट्स में एक्चुअली आपको खाली डांसिंग ही नहीं होती, आपको परफॉर्मेंसेस भी देनी होती है. बट ऑफकोर्स मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, बट स्लोली स्लोली जैसे जैसे अभी टाइम आगे बढ़ रहा है विद सौरभ्स हेल्प और गाइडेंस, बहुत आराम से मुझे वो काफ़ी चीज़ों की समझ देते हैं, बताते हैं, और हमारे कोरियोग्राफर्स भी ये चीज़ का ध्यान रखते हुए कि क्या क्या चीज़ें मुझे सिंप्लीफाई करके मिलें और मुझे समझ में आए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. और अब फिर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है क्योंकि अब ध्यान इस पर नहीं जाता कि हम कैमरा को देखें या स्टेज को, अब ध्यान इस पर जाता है कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया बाहर निकले. हम दोनों को ही एक्चुअली शांतनु का पेयर बहुत अच्छा लगता है. वी रियली लाइक देम एज डांसर्स एंड ऑल्सो एज ह्यूमन बींग्स. दे बोथ आर इनक्रेडिबल, नित्यामी एंड शांतनु.
व्यूअर्स को ये बोलना चाहेंगे कि अभी तक आप हमारी सारी परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं और इतनी हर परफॉर्मेंस को पसंद कर रहे हैं, अपने कमेंट्स आप देते हैं और हम उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही हमारे सारे परफॉर्मेंसेस देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए, वोट्स देते रहिए, क्योंकि आप ही का प्यार और वोट्स है जो हमें हर हफ्ते आगे बढ़ा रहा है और एक मेहनत दे रहा है कि हाँ, अगर हमें इतना प्यार मिल रहा है तो हमें और मेहनत देनी चाहिए। तो कीप वॉचिंग अस, कीप वोटिंग। मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर लव एंड वोट्स हम अभी तक कॉम्पिटिशन में हैं, टिके हुए हैं, और साथ ही साथ हमें मौका मिल रहा है हर बार अपने आप को और बेहतर सबके सामने पेश करने का। तो हमारी हिम्मत बनती है जब आपका प्यार मिलता है, आपके वोट्स मिलते हैं, तो इसी तरह अपना प्यार और वोट्स बरकरार रखिए ताकि हम हर वीक कुछ अलग आपके सामने लेकर आ पाएँ, आपको एंटरटेन कर पाएँ और साथ ही साथ खुद भी कुछ और नया सीख सकें, क्योंकि वी बोथ आर नॉन डांसर्स। मेरे को भी एक मौका मिला है डांस सीखने का, वो भी अलग अलग फॉर्म सीखने का। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच।